छोटी रानी बस स्टैंड पर ट्रक व बाइक की टक्कर से बाइक चालक हुआ घायल। घायल अवस्था में लोगों ने पहुंचाया रानी सीएससी पे, जहां उपचार जारी। रानी पुलिस थाना क्षेत्र के छोटी रानी बस स्टैंड पर ट्रक व बाइक की भिड़ंत में बाइक चालक को लगे चेहरे पर लगी चोटें। सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह, असाराम मीणा में जाप्ता मौके पर पहुंचकर लोगों की सहायता से घायल अवस्था में उपचार के लिए रानी सीएससी में पहुंचाया गया। बाइक चालक दिनेश कुमार पुत्र जेठाराम छुतार 32 साल निवासी बाबा गांव बताया गया। गनीमत रही कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। लोगों ने बताया कि छोटी रानी बस स्टैंड पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण आए दिन घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन प्रशासन इसको लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रानी उपखंड के खुनिका गुड़ा गांव में श्री संत डोराम जी महाराज के नाड़ा पर 2 दिवसीय वार्षिक मेला धूमधाम से आयोजित हुआ। मेले के दौरान सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर में संत डोराम जी महाराज की धुनी पर धोक लगाकर प्रदेश में खुशहाली की कामना की गई। मेले में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। मेले के दिन सुबह से ही ग्रामीणों ने संत डोराम महाराज की तस्वीर रथ पर बैठा कर शोभा यात्रा निकल गई, जिसे ढोल नगाड़ों के साथ युवा युवतियों ने नृत्य किया और महिलाओं और मंगल गीत गाए गए। इस दौरान संत डोराम जी की जयकारों से पूरा वातावरण गुंजयमान हो गया। पूर्व रात्रि भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित हुआ। कलाकार मनीष परिहार, कन्यालाल एंड प्रजापत एंड पार्टी और नृत्य कलाकार किशन जालोरी, पायल हजारी गुड़िया एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। मेले में बाड़मेर जालोर जिले से आई गैरों ने नृत्य कर मेलार्थियों का मन मोह लिया। मेले में पामासा की अजय श्रद्धालुओं के लिए पां प्रसादी का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न दुकानें लगी गई, जिस पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी की गई। मेले के समारोह में संत सैतनदास महाराज डोराम जी का नाड़ा, रूपनाथ जी महाराज मंडल हुकुम पार्थी के सानिध्य में आयोजित अतिथि सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, साणोद महिराज सिंह, जिला उपाध्यक्ष नारायण कुमावत, बालरी सरपंच केसाराम कुमार, जिला परिषद सदस्य दुर्गा शिरवी, मंडल सरपंच सुराराम माली, भामासा राजूभाई प्रजापत, अर्जुन सिंह, गंगा सिंह, दलाराम चौधरी, पुलिस थाना एसआई रीडमल विश्नोई, आरआई सज्जन सिंह कुंभावत, पटवारी सौरभ प्रकाश, ओम प्रकाश, रतन सिंह, सुख सिंह, मेघ प्रकाश मेघवाल, गेवर गांसी, देवाराम चौधरी, उगड़राम मीणा सहित भामासा का मेला कमेटी और ग्रामीणों ने स्वागत किया गया। मेले में आसपास के कई गांवों के लोग इस मेले में उपस्थित रहकर मेले का लुत्फ उठाया। यूक्रेन में पढ़ रहे छात्र के घर गैनरी गांव में पहुंचा रानी उपखंड प्रशासन। रानी उपखंड के गैनरी गांव में तहसीलदार सुनीता सारण, भू अभिलेख निरीक्षक पेमाराम चौधरी, मानाराम गैनरी एवं महेश प्रजापत ने यूक्रेन में पढ़ रहे छात्र बंधु मेघवाल के घर पहुंचकर परिवारजनों से बात कर छात्र के हालचाल पूछे और वहां की भौतिक परिस्थिति को जाना और परिवार को हर समय मदद के लिए पूरा विश्वास और आश्वासन दिया गया। दिन बंधु के बड़े भाई नरेंद्र मेघवाल ने प्रशासन व राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया। रानी में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आत्मज्योति भवन के प्रथम वार्षिक उत्सव पर आयोजित मेले में 12 ज्योतिर्लिंग और कुंभकर्ण की झांकियों को देखने के लिए आदेश विद्या मंदिर माध्यमिक रानी के विद्यार्थियों ने ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रानी में जाकर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को हमेशा खुश रहने और मन को एकाग्र रखने और मन को शांत रखने के तरीके बताए गए।